हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माइनक्राफ्ट। तो दोस्तों, यहाँ से आप सभी देख सकते हो, एक बार मैं फिर से आप सभी के सामने हाजिर एक नया वीडियो लेके। आज का वीडियो कमाल का होने वाला है, तो पूरा देखने की कोशिश करना। तो क्या आप अपने बटन से परेशान हो? मतलब देख सकते हो ये बटन्स है स्क्रीन पर, क्या आप इनसे परेशान हो? और आप इनको हाइड भी नहीं करना चाहते। मतलब अगर आप सोच रहे हो हाइड करेंगे तो यार मेरे को समझ में नहीं आता कौन सा बटन कहाँ पर है और मैं ऐसे क्लिक नहीं होता। लेकिन आप चाहते हो कि यार ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाए, मतलब ये थोड़ा सा धुंधला हो जाए और बस मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। क्या आप ये सब सोचते हो? तो फिर यार आप सही वीडियो पे आए, मतलब सही जगह पे आए हो। आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ किस तरह से आप इनकी ट्रांसपेरेंसी को उसको कम कर सकते हो, एंड बहुत कम कर सकते हो। लाइक ओनली ये थोड़ा बहुत दिखेगा उसे। ओके, तो आज की वीडियो में ये सब बताने रहा हूँ और मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि जो आज मैं हेडफोन आप सभी लेके आऊँ उसको डाउनलोड किस तरह से करना है ये भी मैं एंड में बताने वाला हूँ। तो आप सभी को दिक्कत हो सकती है डाउनलोड करने में, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। पर ये शायद सामान मेरा ये नहीं मरा था यहाँ पर पहले थोड़ी देर पहले। हाँ भाई, तो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो यार ये वाला एडोन है, ये कमाल का एक एडोन है। ये एडोन आप सभी को ऑप्शन देता है अपने जो बटन है उसको ट्रांसपेरेंट करने का। वैसे ये भी ट्रांसपेरेंट, ये देख सकते हो आप इनको और भी ज़्यादा हल्का कर सकते हो। आप अपनी सेटिंग में जाके भी ये सब कर सकते हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा सेटिंग से नहीं हो रही, लेकिन आप एडोन का यूज़ करके मतलब इनको इतना ट्रांसपेरेंट कर सकते हो जिसकी कोई पो नहीं है, सीमा नहीं है। और आपको बटन से भी दिखते रहेंगे थोड़ी बहुत, बस आपको स्क्रीन पर से लगेगा बटन्स नहीं है, लेकिन आप जब गौर करोगे, ऐसे गौर करके देखोगे तो आप सभी को बटन दिखेंगे। तो ये समझ लीजिए कमाल का एडोन है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, होम स्क्रीन पर जा रहा हूँ ताकि आप सभी को एडोन को सेटअप किस तरह से करते हैं वो सब दिखा सको। मेरी हेल्थ देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा कम है यार। तो गाइस देख सकते हो मैं आ गया हूँ होम स्क्रीन पर, और अभी जो गेम प्ले में शेडर यूज़ कर रहा था उसका नाम है ESB3G शेडर। देख सकते हो नीचे लोगो भी आ रहा है लेफ्ट साइड में, एंड राइट साइड में आप सभी मेरा वर्जन देख सकते हो। तो ये कमाल का शेडर है, बहुत अच्छा शेडर है। अगर आप चाहते हो कि सभी आपके पूरे गेम प्ले में या फिर हर एक मैप में जो बटन से वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो आपको यहाँ से इसको इनेबल करना है। इसको यहाँ से इनेबल करना है, एंड आप कोई पर्टिकुलर किसी वर्ल्ड में चाहते हो कि इसी वर्ल्ड में हो, तो आप सभी को वर्ल्ड सेटिंग के अंदर जाना, देखिए यहाँ से यहाँ पर जाके आपसे उसको इनेबल करना है। कोई बड़ी बात नहीं, इसको आप ईजीली कर सकते हो यहाँ देख सकते हो यहाँ से। ओके, ईजी है। आप प्ले करते एंड मैं दिखाता हूँ कि कितना ट्रांसपेरेंट होता है, एंड आप सभी को दिक्कत नहीं होती। मतलब एक बटन को हाइड करने का एडोन भी आता है, मैंने आप सभी को पहले बताया था, लेकिन उसमें क्या तो बटन्स पूरी तरह से हाइड हो जाते हैं, दिखते नहीं है। जो आप सभी की चैट होती है वो भी कभी कभी ओपन नहीं होती, सेटिंग ओपन नहीं होती, बंदे को दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा, क्या सारी सेटिंग ओपन नहीं हो रही, इस तरह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ट्रांसपेरेंट काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, उससे क्या लगता है बंदे को मतलब दिखता भी नहीं एडोन, सॉरी बटन्स दिखते भी नहीं है, एंड बटन्स होते भी हैं आप सभी गौर करते हो तो वो दिख जाते हो आप सभी, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। तो आई थिंक ये अच्छा है, बटन हाइड से जी थोड़ा ज़्यादा अच्छा है। अब देखो भाई, ये देख सकते हो बटन्स, देखो भाई मेरे कितने हाइड हो गए, मतलब देख सकते हो कितने ट्रांसपेरेंट हैं, एंड बटन्स है भी और मान सकते हो आप नहीं भी है। तो यार कितना अच्छा है। तो यार ये एडोन आप बात कर लेते हैं इसको डाउनलोड किस तरह, और बाकी बताना है जैसा इसमें कुछ भी नहीं देख सकते, बाकी सब वाइप वैसे ही सारी चीज़ें, बस बटन इसमें ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो अच्छा एडोन है वो, आप देखो दो आँख है वहाँ पर, पूरा मॉन्स्टर है वो। हाँ, तो अब थोड़ा सा इस बारे में बात कर लेते हैं इसको डाउनलोड किस तरह से करना। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए, आप दोनों लिंक पर आप सभी को क्लिक करना है। फर्स्ट लिंक पर क्लिक करके आप ये चेक कर सकते हो एडोन को किसने बनाया, एंड सेकेंड लिंक पे क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। आप जैसे क्लिक करोगे तो आप पेज पे पहुंच जाओगे, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना, हो जाएगा डाउनलोड, आपसे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात कर लेता हूँ एक और चीज़ के बारे में कि इसको मैं कितने पॉइंट देना चाहता हूँ। तो इसको दूंगा 6.10, बिकॉज ऊपर देखो आपसे चैट और सेटिंग का भी थोड़ा ट्रांसपेरेंट होता तो आई थिंक ये काफ़ी अच्छा लग सकता था, लेकिन वो नहीं है, मैं मरने वाला हूँ। मेरी हाल देख सकते हो आप, क्या कर सकते हो, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये एडोन है, आप सभी को अच्छा लगा तो आप कितने इसको पॉइंट देना चाहते हो मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। अच्छा लगा आपको तो लाइक कर देना इसको, एंड सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को ऐसे ही और वीडियोस के लिए। तो यार मैं मिलूंगा आपसे ऐसे ही कमाल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों। Yeah. The pain I felt is